अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTML YouTube चैनल और मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी की डिवाइस को, या फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी की डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को, जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। आज इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और डिटेल से देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्या इसका चेंज लॉग है, क्या इसका अपडेट साइज़ है और क्या इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस के ऊपर सबसे पहले मिल जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंडर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रोल आउट हो चुका हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इमेज शेयर करता चलूँ लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट का, जो था March 1, 2021 का। या फ्रेंड्स, ये March 1, 2021 का अपडेट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर जो इसका वर्जन नंबर था वो G9980ZHU1AUB7, ये इसका वर्जन नंबर था और इसका जो अपडेट साइज़ था वो 387.26 MB का था। और यहाँ पर जो है काफ़ी डिटेल जो है इस अपडेट के अंदर भी मिली थी, जिसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट, कैमरा के अंदर इम्प्रूवमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इस डिवाइस की जो है वो इम्प्रूव की गई थी। और साथ ही साथ अपडेट जो था सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आप लोगों को मिला था सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात करने जा रहा हूँ अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की डिवाइस को। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं लास्ट में सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो तीन वर्जन नंबर मिले हैं उनमें सबसे पहले जो है G9980BXU2AUC8, इसके बाद जो सेकेंड वर्जन नंबर है वो G9980BXM2AUC8, और जो लास्ट वर्जन नंबर है वो G9980BXU2AUC8। जी फ्रेंड, ये तीन वर्जन नंबर हैं जो मिले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, S20 सीरीज़ की जितनी भी डिवाइस हैं तमाम को जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। आज मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को जो है उसके जितनी भी डिटेल्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जिसका अपडेट साइज़ है वो 1140.64 MB। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 GB का से थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट साइज़ है, काफ़ी बड़ा अपडेट साइज़ है सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से। तो यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, उसके थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। यहाँ पर जो अपडेट साइज़ है, मैंने बताया कि 1 GB से बड़ा अपडेट साइज़ है। लास्ट अपडेट साइज़ अराउंड 400 MB का था, जैसे मैं आप लोगों के साथ इमेज शेयर किया। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 1 GB से ज़्यादा बड़ा अपडेट साइज़ है। डेफिनेटली आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी और वाईफाई के थ्रू ही इसको डाउनलोड इंस्टॉल करें, ताकि आपको अपने सिम प्रोवाइडर को एक्स्ट्रा चार्ज पे करने ना पड़े। और लास्टली जो इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है वो April 1, 2021 है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर फर्स्ट डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, जिसको जो है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है मार्च के अंदर। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की डिटेल्स के हवाले से, चेंज लॉक के हवाले से। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो चेंज आप लोगों को मिल गया था, परफॉर्मेंस कैमरा हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, कैमरे के अंदर जो है परफॉर्मेंस उसको जो है इम्प्रूव कर दिया गया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। यहाँ पर डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव कर दी गई है इस अपडेट के अंदर। कैमरा के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसके बाद जो है आप लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर वो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, बग्स फिक्स, डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है उसको इंप्रूव किया गया है और कुछ बग्स जो हैं उनको भी फिक्स किया गया है। न्यू एंड और इनहांस फीचर, कुछ न्यू और एग्जिस्टिंग फीचर जो हैं उनको इन्हांसमेंट किया गया है। फर्दर इंप्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस, और फर्दर जो है इंप्रूवमेंट्स ऐड की गई हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के अंदर, डिवाइस की स्टेबिलिटी के अंदर। तो काफ़ी अच्छा अपडेट है जो सिक्योरिटी पैच अपडेट April 2021 के साथ मिला है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की डिवाइस को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लास्ट मार्च के अपडेट के अंदर जो था सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा और S21 के अंदर जो था कैमरे के अंदर जो था पोर्ट्रेट मोड जो था वो ख़त्म कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर ऐड की गई थी। और इस बार जो है वो पोर्ट्रेट मोड दोबारा आप नॉर्मल मोड के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट इसमें लाई गई है। और आप लोग नोटिस करेंगे काफ़ी और चीज़ें जो है आप लोगों को कैमरे के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स के साथ जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड ये आप लोग देख रहे हैं एक और इमेज जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट मोड जो है आपके नॉर्मल यूज़ के अंदर जो है नॉर्मल वाइड कैमरा के अंदर जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट मोड आप उसको यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट अपडेट के अंदर ये ख़त्म कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर थी जो अब जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं और आप जो है पोर्ट्रेट मोड जो है वो नॉर्मल कैमरा मोड के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी अच्छी इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई हैं। तो ये फीचर तो ख़ास तौर पर जो है काफ़ी हाईलाइटेड है सैमसंग गलेक्सी S21 अल्ट्रा के लिए इस अपडेट के अंदर अप्रैल 2021 के स्कूटी पैच अपडेट के साथ जो मिला है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की सैमसंग गलेक्सी S21 अल्ट्रा की, जिसके अंदर सबसे पहले जो था लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है सैमसंग गलेक्सी S21 अल्ट्रा को, उसके बाद जो है कैमरे के अंदर पोर्ट्रेट मोड आप नॉर्मल मोड के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बेसिक स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव की गई है कैमरा के अंदर जो है वो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ बग्स जो हैं वो भी फिक्स किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना खेल वसर ख्याल, मुझे दुआ याद, अल्लाह हाफिज़।